हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हिंदू एडिटोरियल में आपका स्वागत है। आज 5 अप्रैल 2018 का एडिटोरियल है गाजा ऑन फायर। एक और एडिटोरियल था, वो SC ST से रिलेटेड ही था, जो हिंसक घटनाएं हुई उसके बारे में, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ के ये गाजा ऑन फायर, ये नया टॉपिक है। इसमें कुछ प्लेसेस के बारे में भी हम जान सकते हैं, इसलिए मैंने ये गाजा ऑन फायर टॉपिक लिया है। तो दोस्तों चलते हैं, जैसा कि हमारे इस सीरीज में लाइन बाय लाइन रीडिंग होती है हिंदी हिंदू एडिटोरियल की, तो पढ़ते हैं। हिंदू एडिटोरियल या फिर कोई भी टॉपिक हम उठाते हैं जिसमें कुछ ढंग के वर्ड्स मिल जाए जो कि हमारे SSC और अन्य एग्जाम्स में हेल्पफुल हो, तो इस चीज़ को देखते हुए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैं एडिटोरियल लेता हूँ या फिर आर्टिकल लेता हूँ। तो दोस्तों लेट ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं, हम लोग एडिटोरियल पढ़ते हैं। 5 अप्रैल 2018 का एडिटोरियल है। इससे पहले भी जो मैंने एडिटोरियल बनाया है वो भी देख सकते हैं दोस्तों। उस एडिटोरियल में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई थी, तो मैंने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। गाजा ऑन फायर। गाजा एक जगह है इजराइल और पैलेस्टाइन, मिस्र, इन सब एरिया के बीच में कोई गाजा एक जगह है, उस जगह पे फायर हुआ है, उसी के बारे में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन क्या दिया हुआ। प्रोटेस्ट्स लास्ट वीक अलोंग गाजास बॉर्डर विथ इसराइल विच टर्न वायलेंट विथ इजरायली ट्रूप्स किलिंग 18 पैलेस्टीनियंस वर लॉन्ग इन द मेकिंग। इसका मतलब, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, और इस लाइन में और कोई वर्ड नहीं है दोस्तों, विरोध करना। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटेस्ट लास्ट वीक अलोंग गाजा बॉर्डर विथ गाजा, जो बॉर्डर है गाजा का बॉर्डर इजराइल से लगता है, और वहाँ पे प्रोटेस्ट कोई विरोध कर रहा था, पैलेस्टीनियन लोग, पैलेस्टाइन के, फिलिस्तीन के लोग, पैलेस्टाइन उसको बोलते हैं, फिलिस्तीन के लोग गाजा के बॉर्डर के पास में विरोध कर रहे थे, जो कि वो वायलेंट हिंसक हो गया, और उस हिंसक घटना में इजरायली ट्रूप्स ने 18 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। तो ये पहला लाइन है दोस्तों। इसके बाद है गाजा द 225 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ लैंड वेयर ओवर 2 मिलियन पीपल लिव। बताया जा रहा गाजा जो है 225 स्क्वायर किलोमीटर लंबी एक स्ट्रिप है। स्ट्रिप मतलब एक फीता होता है, लेकिन वो एक लंबा एरिया है 225 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें 2 मिलियन लोग रहते हैं। हैज बीन अंडर एन इजरायली ब्लॉकेड फॉर ओवर अ डिकेड। एक दशकों से इजरायली लोगों ने उनकी नाकाबंदी करके रखी है। ये जो 2 मिलियन लोग रहते हैं वहां पे गाजा में, उनकी नाकाबंदी इजराइल करके रखे है एक दशक से। ब्लॉकेड फॉर ओवर अ डिकेड, डिकेड मतलब दशक होता है, ब्लॉकेड मतलब नाकाबंदी, उनको एक तरह से ब्लॉक करके रखना। उसके बाद जैसे किस कोई घटना होती है तो पुलिस लोग करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एरिया को, वो ब्लॉकेड हो जाता है ताकि कोई आ जा ना सके, इसी तरह ब्लॉकेड उसको नाकाबंदी बोलते हैं। उसके बाद है इन रिसेंट ईयर्स, मतलब हाल के वर्षों में, इजिप्ट हैज ऑल्सो ज्वाइंड द ब्लॉकेड। इजिप्ट यानी मिस्र, जो अगला पड़ोसी है इन तीनों राष्ट्रों के बीच में, इजिप्ट ने भी ब्लॉकेड ज्वाइन किया है, यानी उसमें शामिल हो गए हैं। प्रैक्टिकली कटिंग ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां से हम लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिकली कटिंग ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब हुआ, ब्लॉकेट का मतलब जैसे मैंने बताया था कि कट ऑफ कर देना, कट ऑफ मैंने अलग कर देना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया, बाहरी दुनिया, अलग लोगों से, दुनिया से उसको एकदम अलग कर देना ताकि कोई आ जा ना सके वहां पे। द फ्लो ऑफ बोथ गुड्स एंड पीपल इनटू एंड आउट ऑफ गाजा इज हेवली रेस्ट्रिक्टेड। फ्लो ऑफ बोथ गुड्स एंड पीपल, सामान और लोगों के बीच आदान प्रदान और आवाजाही, सामान का आदान प्रदान इधर से उधर और लोगों का आना जाना इधर से उधर, दोनों आना जाना, इन एंड आउट, गाजा में हैवली रेस्ट्रिक्टेड है, यानी प्रतिबंधित है, बहुत ही ज्यादा स्तर पे ये प्रतिबंधित है, ये कहने का मतलब ये है। लाइफ हैज बिकम मिजरेबल अंडर दिस कंडीशन। मिजरेबल मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति होना, कठिन दुखी स्थिति होना। तो
ऑब्वियसली जब गाजा को बाहरी दुनिया से कट कर दिया गया, सामानों की आवाजाही में बहुत प्रतिबंध है, तो जो लाइफ विल बिकम हेल्प फॉर देम, तो वही मिजरेबल यूज किया गया यहाँ पे, मतलब दुखी खराब कंडीशन है वहां पे। एंड इट इज नॉट एन एग्जेजरेशन व्हेन द टेरिटरी इज कॉल्ड वन बिग ओपन एयर प्रिजन। तो यहाँ पे ये बताया, और यह कोई बढ़ा चढ़ा के, एग्जेजरेशन मतलब होता है कि किसी स्थिति को या तो कम करके या ज्यादा करके बताना, तो वही बता जा रहा है कि ये जो स्थिति है इसको बढ़ाया नहीं जा रहा। जो गाजा है वो एक ओपन जेल बन चुका है। टेरिटरी, व्हेन द टेरिटरी मतलब वो क्षेत्र, गाजा जो क्षेत्र हैज बिकम अ वन बिग ओपन टेरिटरी प्रिजन, जेल बन चुका है। प्रिजन मतलब जेल होता है, प्रिजन मतलब जेल, और तो एक ओपन जेल बन चुका है वहां के लोगों के लिए। रिसेंट सैंक्शन, सैंक्शंस मतलब क्या होता है कि जो हम लोग उस पे सैंक्शन लगाते हैं, पर उसको एग्जैक्ट मीनिंग में बोलते हैं, जैसे अभी सैंक्शन लगा था इस पे, प्रतिबंध काइंड प्रतिबंध, इसको एग्जैक्ट हिंदी बोलते हैं, जैसे ईरान पे प्रतिबंध लगा था सैंक्शंस, रिसेंट सैंक्शंस, इसको भी पीला कर लेता हूँ, रिसेंट सैंक्शंस बाय द रमल्ला बेस्ड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हैव नॉट हेल्प्ड मैटर्स। अभी रामल्ला, वहाँ पे एक गाजा में रामल्ला बेस्ड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, वो उनका भी कोई प्रतिबंध इस मैटर में कोई हेल्प नहीं कर पाया। डिस्पाइट मतलब बावजूद, के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट इंटरनेशनल कॉल्स एंड रिपीटेड वार्निंग्स बाय राइट्स ग्रुप, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो राइट ग्रुप है, राइट ग्रुप के वार्निंग के बाद भी, चेतावनी के बाद भी, के बावजूद, डिस्पाइट, इसराइल हैज नॉट ईज्ड इट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्ट्रीट। ईस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा आराम देना उसको, जैसे कर्फ्यू से हमें मिलता है ना थोड़ी राहत, ढील, इसको एग्जैक्ट में बोले तो ढील, तो ईस्ट मतलब ढील। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बिरादरी के वार्निंग चेतावनी के बाद भी इसराइल ने जो जो प्रतिबंध लगा के रखा है, रेस्ट्रिक्शन उस स्ट्रिप पे, गाजा स्ट्रिप पे, उसमें ढील नहीं बरती है, यानी उसको कम नहीं किया है या थोड़ा सा भी उसको राहत देना वो नहीं दिया। इट सेज दे आर इन प्लेस फॉर सिक्योरिटी रीजन। इसराइली अथॉरिटी बोलते हैं कि वो लोग वहां पे सिक्योरिटी रीजन से हैं, सुरक्षा कारणों से हैं। द रूलिंग हमास इज डेजिग्नेटेड अ टेररिस्ट ग्रुप बाय इसराइल। हमास एक ग्रुप है फिलिस्तीन में, जिसको इसराइली अथॉरिटी उसको आतंकवादी मानती है। डेजिग्नेटेड का मतलब होता है कि उसको एक तरह से ठप्पा लगाना, जैसे पाकिस्तान में ये है हाफिज सईद, वहाँ पे हाफिज सईद हम उन लोग के लिए आतंकवादी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या दिए हैं आतंकवादी उनको, मतलब डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, हम वी हैव डेजिग्नेटेड हाफिज सईद एज अ टेररिस्ट, मतलब नामित करना एक तरह से। तो द रूलिंग हमास इज डेजिग्नेटेड अ टेररिस्ट ग्रुप बाई इसराइली, इसराइल के द्वारा जो हमास को है एक टेररिस्ट ग्रुप नामित किया गया है, यानी उसको ठप्पा लगाया है एक तरह से बोल सकते हैं। इट वॉज अगेंस्ट द बैकग्राउंड एमिड माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन एंड रिसेंटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट द स्टेटस को, इट वॉज अगेंस्ट द बैकग्राउंड एमिड माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन एंड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द स्टेटस को, जो यथास्थिति है, स्टेटस क्यू का मतलब होता है यथास्थिति। जैसे अभी हाल फिलहाल में भूटान के पास में, चाइना और भूटान और इंडिया का ट्राई, वहाँ पे जो ट्राई जंक्शन है उस जगह पे अभी हाल फिलहाल में कुछ ऑल्टरकेशन हुए थे, झड़प झड़प नहीं, मतलब एक तरह से वहाँ पे डेडलॉक हो गई, डेडलॉक सिचुएशन हो गई थी कि कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन भारत ने बोला था कि आप चाइना को कि आप यथास्थिति, मतलब जो जहाँ है वहीं रहे, स्टेटस को उसको बोलते हैं यथास्थिति को बनाए रखें। तो इसी तरह यहाँ भी बोल रहा कि इस जो अभी यथास्थिति है उस पे फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब सभी को पता है एक तरह से,
उसका क्या हिंदी जानना है, फ्रस्ट्रेशन को फ्रस्ट्रेशन ही रहने देते हैं। रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी, क्रोध या फिर तरह से बहुत नाराज होना की चीज, किसी चीज पे रिसेंटमेंट का मतलब होता है। तो इस यथास्थिति पे इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड डायमंड फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट द स्टेटस को दमास क्या इट वॉज अगेंस्ट द बैकग्राउंड एमिड माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन एंड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द स्टेटस को, ये जो यथास्थिति बनी हुई उस पर बहुत ही फ्रस्ट्रेशन और नाराजगी, माउंट मतलब होता है एक पैदा होना, कि माउंट यानी प्रेशर माउंट होना बोलते हैं ना हम लोग पर्वत, तो उसी से ये बना हुआ, मतलब कोई भी चीज की पराकाष्ठा हो जाना, तो माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन मैंने बढ़ना, वो एक तरह से माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन या फिर उसको बढ़ते फ्रस्ट्रेशन बढ़ना, फ्रस्ट्रेशन का बढ़ना ये हो गया। तो क्या है माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन रिसेंटमेंट, जो यथास्थिति के खिलाफ में बहुत ही फ्रस्ट्रेशन और नाराजगी पैदा हो चुकी है। दैट हमास एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन गाजा कॉल्ड फॉर अ सिक्स वीक सीट इन ऑन द इजरायली बॉर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्लॉकेड एज वेल एज टू सपोर्ट द पैलेस्टीनियन राइट। दैट यहां से पढ़ते देखिए, हमास एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन गाजा, मैंने बताया था गाजा में हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अलावा हमास के अलावा भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है गाजा में, कॉल्ड फॉर अ सिक्स वीक सिट इन, मतलब 6 सप्ताह के लिए इजरायली बॉर्डर पे उन लोग बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे किस चीज के खिलाफ, ब्लॉकेड एज वेल एज टू सपोर्ट पैलेस्टीनियन राइट्स टू रिटर्न टू द लैंड दैट बिकेम इजराइल इन 1948, यानी 1948 में जब इजराइल बना था तो वहां तो पहला इस जो सिट इन होगा, मतलब वहां पे बैठ के जो विरोध करेंगे इन लोग इसराइल और उसके हमास और उसके ऑर्गेनाइजेशन इसराइल के खिलाफ ब्लॉकेड के खिलाफ और वहाँ पैलेस्टीन के सपोर्ट में, यानी पैलेस्टीनियन के अधिकारों के पक्ष में और जो गाजा स्ट्रीप के ब्लॉकेड के विपक्ष में खिलाफ में हमास और उसके अदर ऑर्गेनाइजेशन जो विरोध करेंगे और पैलेस्टीनियन लोग इसराइल को अपनी जमीन बोलते हैं तो वहाँ जाना चाहते हैं उन लोग, इन सब चीजों के लिए वहां पर झड़प हो रही है और उन दोनों के बीच में यही सब डिस्प्यूट भी है। डिस्प्यूट बहुत ही अलग मैटर है, आप चाहे तो स्टडी आईक्यू में देख सकते हैं क्या वहां डिस्प्यूट है उनका, गाजा और हमास क्या है। मोस्ट गाजा रेसिडेंट्स आर रिफ्यूजीज ऑफ द फर्स्ट अरब इजराइल वॉर ऑन देयर डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स का मतलब क्या होता है, वंशज, और वंशज का उल्टा क्या होता है, पूर्वज, पूर्वज का होता है एंसेस्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा, मोस्ट गाजा रेसिडेंट्स मतलब गाजा में रहने वाले जो निवासी हैं आर मोस्टली रिफ्यूजीज है। रिफ्यूजीज आप जानते हैं जो किसी दूसरे देश से निकाले किसी भी तरह से निकल जाते हैं वो शरणार्थी बन जाते हैं एक तरह से, और रिफ्यूजीज का एग्जैक्ट हिंदी बोले तो शरणार्थी ही उचित है। तो मोस्ट गाजा रेसिडेंट्स आर रिफ्यूजीज ऑफ द फर्स्ट अरब इजरायली वार, यानी फर्स्ट अरब इजराइल वार जब हुआ था तो गाजा के ज्यादातर निवासी रिफ्यूजी बन गए थे, शरणार्थी बन गए थे। वार ऑन देयर डिसेंडेंट्स यानी वंशज, उनके वंशज से ही ये वंशज उनके जो थे वार में रिफ्यूजी बने, फिर उनके आने वाले जनरेशन भी रिफ्यूजी ही रह गई वहां पे, यही बताया जा रहा है यहाँ पे। देखिए हमारा मकसद है एक्चुअली मेनली वर्ड्स को जानना इंग्लिश का, अगर थोड़ा बहुत सेंटेंस में फ्रेमिंग में उसका या फिर ट्रांसलेशन में 19-20 हो सकती है, बट मोटा मोटी आप चीजों को समझे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। डिसेंडेंट्स मतलब होता है वंशज और एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। देर आर कंफ्लिक्टिंग व्यूज ऑन व्हाट ट्रिगर्ड द वायलेंस, कन्फ्लिक्टिंग मतलब होता है जैसे विरोधाभास, विरोध एक तरह से। कन्फ्लिक्टिंग व्यूज का मतलब हो गया, अगर इसको मिला के पढ़े कन्फ्लिक्टिंग व्यूज का मतलब हुआ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आप कुछ बोल रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। ट्रिगर्ड मतलब होना, स्टार्ट होना, जैसे अगर ट्रिगर में दबा दो किसी
ट्रिगर क्या होगा, वो चल बैठेगा, जैसे परमाणु बम का ट्रिगर अगर दबा दूं तो चालू हो जाएगा, तो ट्रिगर ही है एक तरह से स्टार्ट होना। तो ये बोला जा रहा है कि जो वायलेंस स्टार्ट हुआ उसका, वायलेंस का ट्रिगर होने का मतलब वायलेंस स्टार्ट हुआ उस पर भी कंफ्लिक्टिंग व्यूज है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। पैलेस्टीनियन सेज इजरायली सोल्जर ओपेंड फायर ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर। देखिए ये मैंने बताया था ना कि जो वायलेंस का रीजन में थोड़ा सा विरोध है, कि वो कंफ्यूजन है कि कैसे हुआ। यहाँ पे ये पैलेस्टीनियन बोलते हैं कि इजरायली सोल्जर है जो पीसफुल प्रोटेस्टर पे ओपन फायर किए हैं, और इजरायली सेज फोर्स्ड हैड टू बी यूज्ड स्टॉप द टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ प्रोटेस्टर फ्रॉम क्रॉसिंग द बॉर्डर इनटू इट्स टेरिटरी। और इजरायली लोग बोलते हैं, इजरायली, कि जो 10,000 वहां पे विरोध करने के लिए बैठे हैं, वो क्रॉस करना चाहते हैं हमारे बॉर्डर में, तो उनको रोकने के लिए हमने ये फायर किया है। द रियल पिक्चर कैन बी असर्टेन ओनली थ्रू एन इम्पार्शियल इंटरनेशनल प्रोब। देखिए असर्टेन मतलब होता है कि निश्चित करना, कि जानना कैसे हुआ। इम्पार्शियल मतलब हुआ कि बिना किसी पक्ष को लिए हुए, इम्पार्शियल वही होता है कि निष्पक्ष, एक तरह निष्पक्ष होना। प्रोब मतलब जांच होना। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, द रियल पिक्चर कैन बी असर्टेन, माने जो सही पिक्चर है, सही बात है इस कि कैसे स्टार्ट हुआ, वो तभी बताया जा सकता है, यानी असर्टेन तभी निश्चित की जा सकती है जब कोई निष्पक्ष इंटरनेशनल एजेंसी इसको जांच करे। प्रोब मतलब जांच करे। बट द यूएस हैज ऑलरेडी ब्लॉक्ड अ मूव इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीकिंग सच एन इंक्वायरी। मतलब ऐसा यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा कोई रिजोल्यूशन आया था, बस उसको यूएसए ने ब्लॉक कर दिया कि कोई इंक्वायरी नहीं होगी। इन द पास्ट इजरायली हैज फेस्ड सीरियस एलिगेशन ऑफ यूजिंग फोर्स अगेंस्ट गाजन। इससे पहले भी, इन द पास्ट, पूर्व में भी इजरायल पे इस तरह के आरोप लगे हैं कि उसने अपने फोर्स का यूज किया है गाजा पे, गाजा और वहाँ के लोगों पे इस तरह के अत्याचार करने का आरोप लगा है। यूएन अपॉइंटेड कमीशन प्रोबिंग द 2009 गाजा वार एक्यूज्ड बोथ इजरायल एंड पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ऑफ कमिटिंग वार क्राइम्स। इससे पहले जो यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन ने अपॉइंट किया था कमीशन जांच करने के लिए, प्रोबिंग द 2009 गाजा वार, 2009 गाजा वार का जांच करने के लिए किया था। तो उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूएन के अपॉइंटेड कमीशन ने फिलिस्तीनी और इजरायली मिलिटेंट्स दोनों को, मिलिटेंट्स वहाँ के आर्मी को, दोनों को इस वार क्राइम के लिए दोषी माना है। वाइल हमास इज डेजिग्नेटेड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय मोस्ट वेस्टर्न कंट्री। पश्चिमी देशों द्वारा जो हमास को है एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, इजरायली घोषित करना, डेजिग्नेटेड नामित करना वगैरह वगैरह। इजराइल हैज हार्डली बीन हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन। इजराइल को बहुत रेयरली, मुश्किल से जो अभी वो एक्शन ले रहा है उसके लिए अकाउंटेबल किया जाएगा, अकाउंटेबल में उत्तरदायी बनाया जाएगा उनको। विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनकंडीशनल सपोर्ट। अनकंडीशनल मतलब होता है कि एक कंडीशन के साथ में, कि हम ये करेंगे तो आपका सपोर्ट करेंगे, बट अनकंडीशनल कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त का। विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली कुड एस्केप सेंसर फॉर द लेटेस्ट ब्रॉक आउटब्रेक ऑफ वायलेंस इन गाजा। इसका मतलब हुआ कि जो सेंसर का मतलब होता है एक तरह से घोर निंदा करना, या फिर जैसे सेंस, ये जो घटना हुई तो घटना होने के बाद क्या करते हैं लोग, विरोध करते हैं, एक तरह से निंदा करते हैं, वही निंदा करना होता है सेंसर का मतलब। तो इस क्या कहा जा रहा है कि इजराइल कुड एस्केप सेंसर फॉर द लेटेस्ट आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है कि भड़कना, एक तरह से आउटब्रेक ऑफ वायलेंस मतलब हिंसा का, जो भड़कना, हिंसा जो भड़की है वहां पे, तो उसकी निंदा से इसराइल आसानी से बच सकता, क्योंकि ट्रंप जो है यूएसए ही उनको सपोर्ट करते हैं, बिना बिना शर्त के सपोर्ट करते हैं। तो निंदा उंदा तो बात छोड़ दीजिए, जब अमेरिका ही किसी का साथ में तो फिर क्या हो सकता है।
तो वही हो गया सेंसर, मतलब एक तरह से वो निंदा करना, और आउटब्रेक मतलब भड़कना, आउटब्रेक ऑफ वायलेंस। ठीक है, द पैलेस्टीनियन लीडर टू डिजर्व्स ब्लेम। यहाँ पे बताया जा रहा कि जो फिलिस्तीन के लीडरशिप है वो भी इस में दोषी हैं। डिजर्व्स मतलब एक तरह से, जैसे आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, तो इसका एग्जैक्ट हिंदी होता है लायक, मतलब एक तरह से योग्य होना, योग्य, ये सही है। द पैलेस्टीनियन लीडरशिप टू डिजर्व्स ब्लेम, मतलब इस घटना के लिए वो भी दोषी हैं, दोषी योग्य हैं, उचित हैं। गाजा एंड द वेस्ट बैंक आर रूल्ड बाय द राइवल फैक्शंस। गाजा और वेस्ट बैंक, वहां पे बताया था मैंने कि बहुत सारे वहां पे गाजा है, वेस्ट बैंक है, रामल्ला है, ये सब चीजें हैं। वो सब आप अलग चीजों वीडियो में आप समझेंगे कि क्या वहां पे डिस्प्यूट है। जब तक वो डिस्प्यूट नहीं समझ पाएंगे, गाजा वेस्ट बैंक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बताया जा रहा है गाजा और वेस्ट बैंक है वो रूल्ड बाई, मतलब वहां पे शासन किसका है, राइवल फैक्शन, फैक्शन का मतलब गुट, तो विरोधी गुट के द्वारा गाजा और वेस्ट बैंक पे, वहां पे गाजा और वेस्ट बैंक पे विरोधी गुट का कब्जा है, हमास एंड फतह, उसके हमास एंड फतह है वो। डिस्पाइट ओकेजनल डिक्लेरेशन ऑफ यूनिटी, कभी कभी उन दोनों के बीच में डिक्लेरेशन होती है, मतलब घोषणा होती है कि हम लोग एक हैं। देर हैव बिन नो ज्वाइंट एफर्ट्स टू मिटिगेट द सफरिंग ऑफ गाजा पीपल। देखिए मिटिगेट मतलब कम करना, शांत करना, तो देर हैव बिन नो ज्वाइंट एफर्ट्स, तब जो भी विरोधी गुट है गाजा वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के आपस में, उन लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई साथ में हम लोग प्रयास नहीं करते हैं कि ये जो गाजा के लोगों का जो दुख है उसको कम किया जाए, मिटिगेट। फॉर इट्स पार्ट द इंटरनेशनल कमिटी रिमेन्स अनरिस्पॉन्सिव व्हेन इट कम्स टू द ग्रेव राइट वायलेशन इन द मेडिटेरियन एनक्लेव। मेडिटेरियन एनक्लेव में जो अभी ग्रेव राइट वायोलेशन हो रही, ग्रेव मतलब बहुत ही बुरे स्तर पे, एकदम ग्रेव मतलब होता है वो कब्र, तो कब्र मतलब समझ लीजिए कितना बहुत ही ग्रेट स्तर पे, बहुत ही ग्रेव राइट वायोलेशन, मैंने ऊंचे स्तर पे जो वहाँ पे वायलेशन अधिकारों का हनन हो रहा, उस पर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी अनरिस्पॉन्सिव है, यानी चुप है, इस पर कुछ बोलते नहीं है। येट द पाथ अहेड इज क्लियर, मतलब आगे का रास्ता साफ है, इसका मतलब देर हैज टू बी एन इंटरनेशनल प्रोब इन टू द लेटेस्ट बैलेंस। इसका मतलब हुआ कि अभी जो घटना हुई है, हाल की घटना, उस पर इंटरनेशनल जांच होनी चाहिए। वर्ल्ड पावर्स शुड अर्जेंटली प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंट टू गाजा टू सेव इट फ्रॉम द टोटल कोलैप्स। वर्ल्ड पावर्स जो है, विश्व की शक्तियां हैं, तुरंत अर्जेंट बेसिस पे इकोनॉमिक असिस्टेंस, यानी पैसे का, पैसे इकोनॉमिक असिस्टेंट, सहायता गाजा के लोगों को देना चाहिए पूरी तरह से वो बर्बाद होने से बचने के लिए। एंड पुट इंक्रीमेंटल प्रेशर ऑन इजराइल, और इजराइल पे थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर देना चाहिए टू एंड द इलीगल ब्लॉकेड, ब्लॉकेड वो जो नाकाबंदी है गाजा स्ट्रीप पे, उसको बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। बट द क्वेश्चन इज एज यूजल, बट ये जो क्वेश्चन है एज यूजल ये है कि हु विल पुट प्रेशर ऑन इजराइल, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा ही अजीब है कि कौन उस पे प्रेशर पुट करेगा। तो ये हुई, इसको मैंने एक लास्ट वीडियो में मैंने इसको एक जगह नहीं किया था, अब मैंने इसमें सारे वर्ड्स को एक जगह कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एग्जेजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा कर इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको। इसका मतलब होता बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, किसी चीज को पेश करना। मिजरेबल मतलब दुखी, मतलब खराब कंडीशन। रिसेंट मतलब नाराजगी, एक तरह से नाराजगी या दुख, किसी का क्रोध झेल लेना, अरे मेरे पे क्रोधित है, रिसेंटमेंट। डिसेंटेंट मतलब वंशज, और इसके पूर्वज उल्टा होता है एंसेस्टर, एंसेस्टर देख लीजिएगा स्पेलिंग क्या है। एसेंटेंट मतलब निश्चित करना,
पता लगाना, पता लगाना, इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष, कैसे लिखते हैं निष्पक्ष, निष्पक्ष, देख लीजिए निष्पक्ष क्या होता है। प्रोब मतलब जांच होता है, आउटब्रेक मतलब भड़कना, स्टार्ट होना, भड़कना, फैक्शन एंड गुट, मिटिगेट मतलब कम करना, मेडिटोरियन का वो छोड़ दीजिए, ग्रेव मतलब बहुत ही खराब कंडीशन, खराब स्थिति, फिर मेडिटेरियन, सेंसर मतलब निंदा करना, कंडेम भी बोलते हैं इसको, निंदा करना। ये हुई दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं और भी कोई इसमें इम्प्रूवमेंट करना तो प्लीज़ कमेंट करें, और इसमें अगर किसी भी तरह का आपका सुझाव हो तो आप बताएं मुझे, मैं उस सुझाव को कोशिश करूंगा इसमें करने का और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो उससे थोड़ा और मुझे प्रेरणा मिलती है कि और इसको अच्छा करूं, और धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा, जैसे जैसे मुझे सलाह मिलती है मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों।